छत्तीसगढ़ में मचे सियासी घमासान के बीच कोरबा में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। पंचवटी विश्राम गृह में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिला। करीब ढाई घंटे चली बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपना दर्द बयां किया और पुलिस प्रशासन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने और झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी सरकार पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। हालांकि कटघोरा नगर पालिका अध्यक्ष और कोरबा नगर निगम सभापति इस पर सफाई देते नजर आए। के कारण से बहुत लंबा गैप हो गया है मीटिंग्स का, तो आपस में कहीं कोई डिस्कस हो नहीं पाई थी। अभी क्या है, खुलकर सब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और डिस्कस कर रहे हैं, तो जो बातें आ रही हैं निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इस बात को सुनेंगे और निर्देश भी देंगे प्रशासन को। लगातार दो साल हम लोग कोरोना से पीड़ित रहे, कहीं कोई काम नहीं हो पाए लोगों के, जैसे निगम में फंड नहीं था, काम नहीं हो पाए, तो बहुत सारी ऐसी तकनीकी खामियां थी जिसके कारण लोग नाराज़ हैं। तो इसी के लिए मीटिंग की गई है कि अब हम लोग जो मीटिंग करके अपना निचोड़ बताएंगे प्रभारी मंत्री जी को कि भाई कार्यकर्ताओं में ये नाराजगी इसको कैसे दूर किया जाए। भिंड में लंबे समय बाद कांग्रेस की अंतर्कलह कम होती नजर आ रही है, जिसका प्रमाण खंडा रोड पर हुए कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में देखने को मिला है, जहां कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह एक साथ बैठे नजर आए। दरअसल उपचुनाव में महगांव से टिकट के लिए चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का नाम आगे बढ़ाया गया था, लेकिन पहले बीजेपी में शामिल हो चुके राकेश सिंह का डॉ. गोविंद सिंह ने जमकर विरोध किया था। हालांकि बाद में कई बार अलग अलग मंचों पर दोनों साथ दिखे, लेकिन कभी पास बैठे नजर नहीं आए, और अब ये पहला मौका था जब दोनों नेता साथ बैठे नजर आए।